भारत के चंद्रयान 3 उपग्रह ने बुधवार शाम विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रच दिया है। विक्रम लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंड करना था, जो बड़े अच्छे ढंग से हुआ। ये भारत के साथ साथ दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी थी। इस सफलता के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन इन सबका काम भूमध्य रेखीय क्षेत्र में था। विक्रम लैंडर ने दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंडिंग की है, जो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। हम बार बार सॉफ्ट लैंडिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग इतनी भी आराम से नहीं हुई है। विक्रम लैंडर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर आकर बैठा है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो वो बहुत तेज रफ्तार से गिरेगा, जैसे चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। लेकिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इस तरह बनाया गया कि वो चांद की सतह पर जाकर मोहब्बत से बैठ जाए और बाद में वो बैंगलोर स्थित कमांड सेंटर से बातचीत कर सके। ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। दुनिया में अब तक जितनी भी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, उनमें से 2 में से 1 ही सॉफ्ट लैंडिंग सफल हुई है। इससे पहले भारत के चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश कर गया था, लेकिन इसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का चांद पर उतर जाना एक बड़ी उपलब्धि है। विक्रम का नाम भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया। ऐसे में यह उनके लिए भी बहुत खुशी का दिन होगा, वो जहां पर भी है। चांद की सतह पर उतरने से पहले विक्रम लैंडर की रफ्तार कम करना भी एक चुनौती थी। इसके लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को 125x25 किलोमीटर की ऑर्बिट में रखा गया था। इसके बाद इसे डीऑर्बिट किया गया। इसके बाद जब उसे चांद की सतह की ओर भेजा गया, तब उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। इसके बाद कुछ ही मिनटों में जब उसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया, तो उसकी गति बेहद कम कर दी गई। ऐसा करने में विक्रम लैंडर पर लगे 4 इंजनों का सहारा लिया गया। इसके बाद 2 इंजनों की मदद से विक्रम को चांद की सतह पर उतार दिया गया था। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया है, लेकिन अब इंतजार इसके रोवर प्रज्ञान के बाहर निकलने का है। लेकिन प्रज्ञान को विक्रम लैंड से बाहर निकलना हुआ देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। विक्रम लैंडर के चांद की जमीन पर बैठने की वजह से जो धूल के कण उछले हैं, उन्हें अगले कुछ घंटों में वापस जमीन पर बैठने या विक्रम से दूर जाने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद विक्रम लैंडर से एक रैंप खुलेगा, जिसके सहारे प्रज्ञान चांद की जमीन पर चलना शुरू होगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और बेंगलोर स्थित कमांड सेंटर दोनों से बात कर सकता है। इसके बाद विज्ञान का काम शुरू होगा, जो 14 दिनों तक जारी रहेगा। विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही सौर ऊर्जा से संचालित है। इन्हें चांद की रोशनी वाली जगह पर ठीक से पहुंचाया गया है, क्योंकि अब 14 दिन तक रोशनी रहेगी तो प्रज्ञान और विक्रम काम कर सकेंगे। कुछ समय में चांद की सतह से पहली तस्वीरें आएंगी, जिनमें प्रज्ञान विक्रम की तस्वीरें लेगा और विक्रम प्रज्ञान की तस्वीरें लेगा। ये चांद की सतह से खींची गई इस तरह की पहली तस्वीर होगी। विक्रम और प्रज्ञान 4x2.5 किलोमीटर के उस क्षेत्र में काम करेगा, जिसका नाम मैंने कलाम विहार दिया है, क्योंकि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ही कहा था कि भारत को चांद की सतह पर दक्षिणी ध्रुव के करीब अपना झंडा पहुंचाना चाहिए। ऐसे में खुशी का ये सारा खेल कमाल विहार से ही हो रहा है। प्रज्ञान और विक्रम के बीच बातचीत का माध्यम रेडियो वेव्स हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इन्हें इस तरह बनाया गया है कि प्रज्ञान अपने लैंडर विक्रम से बात कर सके। प्रज्ञान सीधा बेंगलोर स्थित कमांड सेंटर से बात नहीं कर सकता है, लेकिन विक्रम सीधे बेंगलोर स्थित कमांड सेंटर से बात कर सकता है। हालांकि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। इसी पूरी प्रक्रिया में चंद्रमा से धरती तक संदेश आने में 1.25 सेकंड का वक्त लगता है, और यह सारी प्रक्रिया ऑटोमेटेड ढंग से होती है। आखिरी कुछ मिनट जब सबकी सांसें अटकी थीं, तब सारा काम कंप्यूटर ने किया। इसरो के वैज्ञानिकों ने सारी कमांड्स लोड कर दी थी। कंप्यूटर ने इन सभी कमांड्स को ठीक ढंग से अंजाम दिया, जिससे विक्रम लैंडर आराम से चांद की सतह पर पहुंच गया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।